सो गाइस एक व्यूवर का कमेंट आया था मेरी वीडियोस पे कि भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, उस पर मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ एंड उसी शॉर्ट वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे रीयूज कंटेंट पॉलिसी इशू आएगा? तो गाइस मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत बार बताया कि अगर आपकी कोई ओरिजिनल वीडियो है, ठीक है, उसे आप अपने यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, उसके बाद आप उसे फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे बात थोड़ी इंस्टाग्राम की हो रही, तो मैं इंस्टाग्राम को ऐड कर देता हूँ क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मेटा के ही प्लेटफॉर्म है। अगर हम इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसी चीज़ को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो क्या हमें कोई कॉपीराइट का इशू आएगा या कोई रीयूज कॉन्टेंट पॉलिसी इशू आएगा? तो ऐसा नहीं होगा। ये तब आता है जब आप इंस्टाग्राम से कोई रील भले ही आप ही की क्यों ना हो, अगर उसे डाउनलोड करते हैं और फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो आपके चांसेस रहते हैं कि रीयूज कॉन्टेंट पॉलिसी इशू आ सकता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में वो ओरिजिनल रील आपने बनाई है, उसे आप इंस्टा पे भी अपलोड कर सकते हैं, उसे आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी रीयूज कंटेंट पॉलिसी इशू नहीं आएगा। यहाँ पे जो रीयूज कंटेंट पॉलिसी इशू आता है वो किन किन केसेस में आता है? तो यहाँ पे रीयूज का मतलब आप साफ समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ पहले से यूज़ की गई है उसे दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, यानी उसे दोबारा यूज़ करें तो वो आ जाता है हमारे रीयूज़ में। दोबारा कैसे हो सकता है? आज इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि आपने किसी का कंटेंट उठाया, आपने पहले से यूट्यूब पे है, उसे ही दोबारा डाउनलोड करके उसे दोबारा अपलोड कर दिया, तो वो आ जाता है हमारा रीयूज कंटेंट पॉलिसी इशू में। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत है, इंस्टाग्राम में टिकटॉक था पहले, अब तो बंद हो गया, उसके बाद आपका मौज एप्लीकेशन है, उसके बाद एमएक्स टकाटक है, इन सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर इन सबसे आप छोटे छोटे वीडियो भी उठाते हैं, उन्हें एक साथ जोड़ कर अगर आप उसे यूट्यूब पर डालते हैं, तो उससे आपको रीयूज कॉन्टेंट पॉलिसी इशू आ सकता है। एंड इसके बाद जो मूवीज़ होते हैं, मूवीज़ के जो क्लिप्स होते हैं, अगर आप उन्हें एडिट करके अपलोड करते हैं, तो उसमें पॉलिसी इशू आ सकता है। उसके बाद बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, उन्हें आप कलेक्ट करके, एक साथ कलेक्ट करके जोड़ के जो आप गाने अपलोड करते हैं, उसमें व्यूज़ तो आते हैं क्योंकि लोग गाने सुनते हैं, तो व्यूज़ तो आएंगे, लेकिन फिर आपको वो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी रीयूज कॉन्टेंट पॉलिसी इशू के तहत। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, फेसबुक यहाँ पे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं हमेशा फेसबुक के बारे में बताता हूँ, बट यहाँ पे आज की वीडियो में यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ, तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपने माइंड में कि मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात की है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात नहीं की है। सो आई होप गाइस कि आपको रीयूज कॉन्टेंट पॉलिसी से समझ आया कि क्या होता है या किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना गाइस, शेयर करना, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।